अतीक अहमद की हत्या से परेशानी में पड़ गए धीरेंद्र शास्त्री। हत्याकांड के बाद धीरेंद्र शास्त्री को यूपी आने पर लग गई पाबंदी। धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम पर जिला प्रशासन ने लगा दी रोक। कानपुर देहात में होने वाला था धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम। कार्यक्रम रद्द होते ही आयोजकों ने आदेश को बताया फर्जी। आयोजक हुए नाराज तो धीरेंद्र शास्त्री को देना पड़ गया जवाब। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ तो दुनिया को अलविदा कहकर चला गया, मगर अतीक के कारनामों के किस्से और इस हत्याकांड के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई लोग अतीक की हत्या से आहत हैं, तो वहीं कई लोग जो अतीक के जुल्म का शिकार हो रहे थे वो अब राहत की सांस ले रहे हैं। मगर इन सब के बीच यूपी के कई कार्यक्रम भी रद्द हो गए हैं। ऐसा ही हुआ है बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री के साथ। अतीक की हत्या के बाद जैसे ही पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू हुई तो धीरेंद्र शास्त्री का कानपुर देहात में होने वाला कार्यक्रम रद्द हो गया। नमस्कार, मैं नेहा जैन, जिलाधिकारी कानपुर देहात। आप सभी अवगत हैं कि दिनांक 17 से 21 अप्रैल तक जनपद कानपुर देहात में श्री बागेश्वर जी महाराज का एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था, परन्तु वर्तमान में प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके दृष्टिगत वर्तमान परिपेक्ष को देखते हुए ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है। इस संदर्भ में कोई भी अन्य वीडियो या बयान पे भरोसा मत करिए, भ्रामक बातें मत फैलाएं। वर्तमान में कार्यक्रम स्थगित है। धन्यवाद। जिला अधिकारी की ओर से धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द होते ही आयोजकों ने हंगामा शुरू कर दिया। आयोजकों ने जिला प्रशासन के आदेश को फर्जी बता दिया। हंगामा बरपा तो खुद धीरेंद्र शास्त्री को मोर्चा संभालना पड़ा। धीरेंद्र शास्त्री ने अपने समर्थकों और आयोजकों को समझाने के लिए एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, विश्व का कल्याण हो। वर्तमान समय की परिस्थितियां देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में स्थिति निर्मित हुई है, तो प्रत्येक व्यासपीठ का और आचार्य का कर्तव्य है कि समूचे विश्व कल्याण के हित के लिए सोचना व विचार करना चाहिए। इसी भाव को प्रमुखता देते हुए वहाँ की सरकार, वहाँ के निवासी रहने वाले लोग, जिससे किसी भी प्रकार की धार्मिक सद्भावना ना बिगड़े व किसी भी प्रकार से किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे, तो 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 5 दिवसीय होने वाली श्री हनुमंत कथा को वहाँ की जो, चूंकि हमने भारतीय संविधान को स्वीकार किया है और हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है, तो उसका निर्वाहन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिए 144 धारा वहाँ लागू है, तो हमें लगता है ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र हित के लिए और प्रदेश के उत्थान और हित के लिए कथा को आगामी समय तक के लिए तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। इसलिए 17 तारीख से होने वाली 21 तारीख तक की हनुमंत कथा वर्तमान में कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। आगामी समय में हम आएंगे, बहुत अनुकूल समय जब हनुमान जी प्रेरणा देंगे, उसी अनुकूल परिस्थिति में आकर के पुनः समूचे उत्तर प्रदेश को राममय बनाने के लिए और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ हम पुनः आएंगे। और आप सभी भी ऐसे माहौल में सबके हित की देखते हुए, ताकि किसी का भी हृदय विदीर्ण ना हो, ऐसे कार्य करें जिससे विश्व का कल्याण हो और समाज का उत्थान। बता दें कि जिले की शिवली तहसील स्थित मैथा इलाके में 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक हनुमंत कथा का आयोजन होना था। कथा कहने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री आ रहे थे। कार्यक्रम की तैयारियां 15 से 20 दिन पहले ही शुरू हो गई थी, मगर इसी बीच बीते शनिवार की रात अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तय कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। हालांकि आयोजकों ने इस आदेश को फर्जी बताया, मगर धीरेंद्र शास्त्री में माहौल को देखते हुए हालात को संभाला और कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।